नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं एक बार फिर आपको दिखाने वाला हूं अपने वाराणसी के घाट का नज़ारा। इस समय देखिए दोपहर का समय है, अपने काशी में कोहरा छाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है राजघाट पुल, जिसे मालवीय पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको घाट वॉक करते हुए आपको घाट का नज़ारा दिखाते हैं। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। ये देख रहे हैं दोस्तों, और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के तेलिया नाला घाट पर। हालांकि दिखाया है सभी घाट अपने आप में फेमस हैं, लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे तेलिया नाला घाट, जो कि सबसे प्रसिद्ध दिखाया। तो दशाश्वमेध घाट के बारे में आप लोगों को मालूम रहता है, और नमो घाट और 80 घाट। इस साइड देखिए एक सुलभ शौचालय है, ठीक है। यानी कि तेलिया नाला से होते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजघाट तक के नज़ारे। फिलहाल देखिए इस साइड एक नाव है जो कि गंगा नदी में राइड करने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत से लोग देखिए ये देख रहे हैं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और मैं कुछ ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको लगे कि आप खुद अपने काशी में घाट वॉक घाट पर कर रहे हो। मैं ऐसा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस साइड देख रहे हैं, ये जो डब्बा देख रहे हैं इसमें है मछली, यानी कि मछली खरीद के आप गंगा नदी में छोड़ सकते हैं। और ऐसा करने पर ऐसा कहा जाता है कि पुण्य होता है, यानी कि किसी को आज़ाद करने के लिए। ये देख रहे हैं, तो इसी प्रकार देखेंगे तो आगे बढ़ने के बाद ये देखिए इस साइड यहाँ पर एक नाला है, ये पूरा गटर का पानी जो है गंगा नदी में जा रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पर देखिए मछली है, जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हैं ये है मछली, सौरी मछली है। आपको दिखाएं जूम करके, ये देख रहे हैं। चलिए चलते हैं उसी प्रकार, देखिए इस साइड भी है। और यहाँ किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे जो कि जो लोग गंगा नदी में फूल मालाएं विसर्जन करते हैं, देख रहे हैं गंगा का लहर मारते हुए किनारे कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड। इस साइड देखिए कुछ लोग हैं जो कि पतंग उड़ा रहे हैं। ये कह रहा ना, यहाँ अपने काशी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग पतंग उड़ाते हैं। और अभी देखिए मैं पहुँच गया हूँ नया घाट। इस घाट का नाम है नया घाट, जो कि आप देख रहे होंगे जो कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। देखिए इस साइड भी वही हाल है, ये देख रहे हैं पूरा जो विसर्जन किया हुआ फूल मालाएं हैं वह पूरा किनारे आ गया है। और ये देखिए ये बाढ़ के समय डैमेज हुआ था। फिलहाल देखिए इस नाव को सजाया जा रहा है फूल मालाओं से। ये देख रहे हैं ना, तो ये भी देखिए ये भी जो एरिया है ये भी नया घाट है। नया घाट के आगे है आपका प्रहलाद घाट, लेकिन सबसे गंदी यार देखिए मुझे ये लग रहा है कि घाट पर देखिए जो कि सुलभ शौचालय होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से लोग जो कि ये देख रहे पेशाब किए हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब घाटों पर नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बाहरी लोग नहीं किए हैं यहाँ पर पेशाब, यानी कि यहाँ के जो लोकल हैं वही लोग। देखिए इस साइड भी है, और काफ़ी ज़्यादा बदबू मार रहा है। ये देखिए अभी मैं पहुँच चुका हूँ प्रहलाद घाट, ये देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रहलाद घाट। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे।
ये देखिए घाटों पर आपको पतंग उड़ते समय इसमें नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा शिवलिंग नंदी जी विराजमान। ये देखिए उस साइड भी ऊपर भी है शौचालय। निषाद घाट आ जाता है उसके बाद प्रहलाद घाट के बाद। इस साइड देखिए है निषाद घाट और ये देखिए मंजा फंस गया पैर में, ये देख रहे हैं ना। इसमें अपने वाराणसी के अगर शहर में गली में या फिर रोड पर जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का हाल होगा। और कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी बच बचा के ही अपने काशी के घाटों पर घूमिएगा। देखिए फिर फंस गया। और निषाद घाट जाने के बाद आपका आ जाता है रानी घाट। वो देख रहे हैं वो है रानी घाट जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत एक महल टाइप का लग रहा है। ये देख रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं पूरा ऊपर मोहल्ला है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जब बाढ़ के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है लेकिन उसके बाद सही हो जाता है। ये देखिए ये देख रहे हैं पतंग उड़ते हुए आसमान में। ये देखिए बच्चे भी दौड़ रहे हैं पतंग पाने के लिए। चलिए चलते हैं। और देखिए निषाद घाट यानी कि इसे निषाद राज घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद एक घाट और बचा हुआ है उसके बाद आपका आ जाता है राजघाट। तो फिलहाल जिस घाट के बारे में बात कर रहा हूँ उस घाट का नाम है श्री पंच अग्नि अखाड़ा घाट। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए ये देख रहे हैं छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है और एक पतंग देखिए फंसा के लेके आ रहा है। तो फिलहाल देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर ही आपका है संत रविदास मंदिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो कि वाइट कलर का है। फिलहाल देखिए यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, फिलहाल इसे हटा दिया गया है। ये देख रहे हैं ये देखा है तो ये भी एक लकड़ी का ढांचा है इसी के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा था। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वो है मंदिर संत रविदास मंदिर। उस साइड देखिए एक LED स्क्रीन लगा हुआ है जो कि इस समय कोई विज्ञापन दे रहा है वाराणसी स्मार्ट सिटी का। और बड़ा
इस वर्तवास में हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेन भी आ रहा है। ठीक दोस्तों, यह था राजघाट तक के नज़ारे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।